वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। दुनिया का इकलौता मगरमच्छ जो कि 70 साल का था और केरल का था, उसका निधन हो गया है। एक झील में रहता था और इकलौता शाकाहारी मगरमच्छ था। आपको ये बता दें कि वो झील में रहता था और आसपास में एक मंदिर भी था और उस मंदिर की रखवाली करता था। खाने में सिर्फ और सिर्फ वो मंदिर का प्रसाद खाता था, लेकिन 70 साल की उम्र में उस मगरमच्छ का निधन हो गया है। और उसके निधन के बाद शोक की लहर है। जो मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने हिंदी रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया और हिंदू रीति रिवाजों से ही उसकी अंतिम यात्रा निकाली और मंदिर परिसर में ही दफना दिया। दुनिया के इकलौते शाकाहारी मगरमच्छ जो कि केरल का था, उस मगरमच्छ का निधन हो गया है। मगरमच्छ को प्यार से बाबिया कहा जाता था। वह मंदिर से चढ़ाए जाने वाले चावल गुड़ के प्रसाद को खाता था। बाबिया शनिवार से लापता था। रविवार रात करीब 11:30 बजे उसका शव झील में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने पशुपालन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। मगरमच्छ को अंतिम बार देखने के लिए कई राजनेता और सैकड़ों लोग पहुंचे थे। जब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी तो शव को झील से हटाकर खुली जगह में रख दिया गया। बता दें कि बाबिया को देखने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी पहुंची थी। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मगरमच्छ 70 सालों से मंदिर में रहता है, भगवान उसे मोक्ष दे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने ये कहा है कि लाखों भक्तों ने मगरमच्छ के दर्शन किए, बाबिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पुजारियों ने दावा किया है कि मगरमच्छ पूरी तरह से शाकाहारी था और झील में मछली या अन्य जीवों को नहीं खाता था। बाबिया एक गुफा में रहता था, दिन में 2 बार मंदिर के दर्शन के लिए गुफा से निकलता था और थोड़ी देर टहलने के बाद वापस अंदर चला जाता था। मगरमच्छ मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ही खाता था। उसे पके चावल और गुड़ बेहद पसंद था। कई लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के अलावा बाबिया को देखने आते थे और अपने हाथों से उसे चावल खिलाते थे। लोगों का दावा है कि मगरमच्छ ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको बता दें, यहाँ के लोग यह मानते हैं कि सदियों पहले एक महात्मा इसी मंदिर में तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण बच्चे का रूप रखकर महात्मा को परेशान करने लगे। इस बात से नाराज होकर महात्मा ने कृष्ण को तालाब में धक्का दे दिया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो भगवान को ढूंढने लगे, लेकिन पानी में कोई नहीं मिला। इस घटना के बाद पास में एक गुफा दिखाई दी। लोगों का मानना है कि इसी गुफा में भगवान गायब हो गए थे। कुछ दिनों बाद यहां से मगरमच्छ आने जाने लगे। मंदिर के आसपास रहने वाले वृद्धों का कहना है कि झील में रहने वाला यह तीसरा मगरमच्छ था, लेकिन वहां पर दिखाई एक ही मगरमच्छ देता था। उसके बूढ़ा होकर मर जाने के बाद नया मगरमच्छ अचानक आ जाता था। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।